चिराग पासवान में जो क्वालिटी है नवजुवा में किसी के पास में नहीं है, ये बात पक्का है। पासवान जी के लेकर चिराग पासवान एकदम नंबर वन सपोर्ट करेंगे, चिराग पासवान को करेंगे, बीजेपी के साथ में आएंगे तो जरूर करेंगे। बीजेपी साथ नहीं आएंगे तब नहीं करेंगे। तो देखे कैसे पार्टी को चुनेंगे, नेता को नहीं चुनेंगे आप? हम लोग नेता चाहिए काम करने वाला। चिराग पासवान आएगा ना? अभी जयमाने दो ना, अभी तो सुबह हुआ, अभी शाम का टाइम बाकी है ना, शाम तक आ जाएंगे। शाम तक आ जाएगा, अभी दो साल बाकी है लोकसभा का, आधे एक साल बाकी है। चिराग पासवान नवजुवक में नेता अच्छा है, बोलने आता। हमारा रामपट्टी आया था, हमारे विधायक जी के चुनाव में उपचुनाव में आए थे, तो वहाँ पे सब बच्चा मंच पर चढ़ गए, तुरंत साइन करना स्टार्ट कर दिए। चिराग पासवान युवा नेता है, अच्छे हैं, पढ़े लिखे इंसान है। सम्राट चौधरी पढ़े लिखे नहीं है लेकिन चिराग पासवान युवा है, तो हम लोग युवा है, युवा के सपोर्ट। सीएम के रूप में चिराग पासवान जी, सीएम के रूप में लगता है। चिराग पासवान कैसे नेता लगते हैं? अच्छा नेता लगते हैं चिराग पासवान भी, ठीक है। पूर्व मंत्री अमृत पासवान, वो हम लोग को पढ़ाए लिखाए हैं, अच्छा काम क्षेत्र में करते हैं, उनके सिवा हम लोग वोट किसी को नहीं देते। मेरे लायक अब मुख्यमंत्री लायक पासवान जी के लायक चिराग पासवान एकदम नंबर वन, शिक्षित भी है, मुख्यमंत्री लायक है बिहार, मंत्री लायक चिराग पासवान। इतना पढ़ा लिखा कोई नेता नहीं है अभी, कोई नहीं है बिहार में। लेकिन चिराग पासवान के पास तो भैया ना एक सांसद है ना एक विधायक है, फिर कैसे? सांसद नहीं है, छह सांसद है अभी। कहाँ है? छह है नहीं, नहीं है, गिनाइए नाम बताइए। अभी आप जो भी है उसमें कट जुट के तो कुछ आ रहा है, चाचा भतीजा में दोनों में मोदी जी का वो चल रहा है ना, मोदी जी जब मोदी जी लड़वा रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं क्या? अरे हम आप जो दोनों भाई लड़ लेंगे, हम आप बेकूफ बने तब ना, तीसरा तो फायदा उठाएगा, बेकूफ बन रहे हैं। चाचा भतीजा अलग है तब। चिराग पासवान में जो क्वालिटी है नवजुवा किसी के पास में नहीं है, ये बात पक्का है। चिराग पासवान सीएम बनने चाहिए। इस बार देखिए ना बीजेपी का तो ऐसा अध्यक्ष जी बना है सम्राट चौधरी, वो तो कुछ कर सकता है, वो तो पूरा जेपी नड्डा की अमित शाह के गुरु है वो बिहार में। जेपी नड्डा अमित शाह के गुरु है सम्राट चौधरी? हाँ सम्राट चौधरी बिहार के लिए। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हमारे ही क्लास से निकले हुए छात्र है वो। भले हमारा विद्यार्थी, हम जब छोटे थे हम पढ़ाते थे, वो विद्यार्थी हमारे पास से निकल के फिर कहीं पढ़ा तो आईएएस बन गया, तो हम बोले हम ही पढ़ा दिए उसको, कि हम तो आ सिखाए थे। अभी नीतीश कुमार जी 23वीं को सिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे चलो, हाँ ये नहीं समझ आए 23वीं आते एक बार तब तुमको मिल के पेटा भदिया लेके पिताजी को बनवाया, अब फिर इस बार आया तुम्हारा पेटा भदिया लेने, तो भदिया ले रहा है वो, भदिया ले रहा है। हम सोच रहे हम तो जा ही रहे, तो दूसरे को भी लेपेट। बिहार की जनता चिराग पासवान को सपोर्ट करेगी? सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, चिराग पासवान को करेंगे, बीजेपी के साथ में आएंगे तो जरूर करेंगे। बीजेपी के साथ नहीं आएंगे तब नहीं करेंगे। या तो देखे कैसे पार्टी को चुनेंगे, नेता को नहीं चुनेंगे आप? हम लोग नेता चाहिए काम करने वाला, विकास करने वाला। यूपी में योगी यही ला रखा, योगी से भी ज्यादा, राजनाथ सिंह का लड़का नोएडा में 1,02,20,000 वोट से जीता, क्यों? हमने बिहारी हम लोग छाड़ के वोट दे देते है वहाँ, वहाँ पे हमारा। और ये भी है हमारा मधुबनी जिला 10 विधानसभा में बीजेपी 5 सीट पे ला रहा, 5 सीट जीत गया, उसमें मर्दार मर्दावा विधायक है, हम लोग का बीसपी का विधायक हरभूषण ठाकुर बचोल जी, हाँ वो है। इसके बाद में मधुबनी विधानसभा हमारे नगर से पिछले बार वीआईपी पार्टी को सीट हो गया, तो वहां से बीजेपी का भी इच्छुत नहीं था कि जीते नगर का सीट है, लेकिन वहां से इस बार हमारे माने जाने कलाकार राघोपुर ब्लॉक पंचायत के मुखिया संजय मिश्रा जी को टिकट मिलने वाला है मधुबनी विधानसभा से। वो नवजुवक 42 साल उम्र का है, 4 बार मुखिया बन चुका है। ठीक है, गांव घर की बात कम करें, प्रदेश की बात करें तो चिराग पासवान या सम्राट चौधरी, इन दोनों में से कौन अच्छे हैं? बीजेपी में तो अभी सम्राट चौधरी को तो अभी आए हैं, हाँ अब सम्राट चौधरी बोलने भुगने में अभी तो बहुत अच्छा है, हाँ बोलने भुगने लायक ही है, बोलने भुगने लायक है कि काम करने लायक है, हाँ तभी तो बीजेपी ले लिया, नहीं तो लेता आरजेडी में। फिर चिराग पासवान को नहीं लिया, मतलब चिराग पासवान नहीं है लाया? चिराग पासवान आएगा ना, अभी जयमाने दो ना, अभी तो सुबह हुआ, अभी शाम का टाइम बाकी है ना, शाम तक आ जाएंगे। शाम तक आ जाएंगे, अभी 2 साल बाकी है लोकसभा का, आधे 1 साल बाकी है, अभी विधानसभा का 2 साल बाकी है, चिराग पासवान आएगा नहीं तो कहाँ जाएगा वो। चिराग पासवान या सम्राट चौधरी कौन अच्छे? चिराग पासवान। क्यों? सम्राट चौधरी तो बीजेपी के, ठीक है बीजेपी से मतलब नहीं है, नेता अच्छे है। नेता चिराग पासवान, चिराग पासवान नवजुवक में नेता अच्छा है, बोलने आता। हमारा रामपट्टी आया था, हमारे विधायक जी के चुनाव में उपचुनाव में आए थे, तो वहाँ पे सब बच्चा मंच पर चढ़ गए, तुरंत साइन करना स्टार्ट कर दिए। अच्छा। बच्चा फोटोग्राफ देने लगे, हाँ देने लगा सब बच्चा, समझा नहीं ये लाइक है नेता लाइक। इसके बाद कुछ हमारे क्षेत्र में दौरा नहीं करता है मधुबनी दरभंगा की तरफ, इसलिए थोड़ा हो, लेकिन अब दौरा करेंगे, उनका भी दिमाग खुल गया, दिमाग खुल गया पूरा, खुल गया कि देख लिया कि
बिहार ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा, इसलिए लोग दिमाग खोल रहे हैं। क्या लगता है भैया बिहार को कौन सुधार पाएगा, चिराग पासवान या सम्राट चौधरी? देखिए नेता विशेष पे लेकर चलिएगा तो जैसे चिराग पासवान है वो जैसे अभी एक ही सांसद है जो जमुई से है, ठीक है, और मतलब सरकार बनाने के लिए आपको बहुमत चाहिए ही। अगर चिराग पासवान अगर अकेले लड़ेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि सरकार बनेगी, फिर ऐसे में ये होगा कि आरजेडी प्लस जेडीयू उन लोग मिलकर सरकार बना फायदा उठा लेंगे, इसलिए हम लोग बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को ही वोट देंगे। और मतलब बीजेपी से हम लोग का ये इच्छा भी है कि वो थोड़ा रोजगार पर ध्यान दे, रोजगार पर ध्यान देने की जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम जैसे युवा बहुत बेरोजगार हैं, अब टैलेंटेड हैं, ऐसा नहीं है हमसे परीक्षा लेकर एग्जाम लिया जाए, लेकिन लिया जाए। क्या लगता है भाई चिराग या सम्राट चौधरी बीजेपी से कौन आने चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में? चिराग पासवान जी। क्यों? क्योंकि अभी तो एक्चुअली वो एक युवा नेता है जो की जो भी जितने हमारे युवा है उन सबको मतलब अच्छे से उनके भावनाओं को समझेंगे और उस दिशा में अपना काम अपना योगदान भी देंगे। आपको क्या लगता है? चिराग पासवान। क्यों? चिराग पासवान युवा नेता है, अच्छे हैं, पढ़े लिखे इंसान है। सम्राट चौधरी पढ़े लिखे नहीं है? सम्राट, लेकिन चिराग पासवान युवा है तो हम लोग युवा है, युवा के सपोर्ट। सीएम के रूप में चिराग पासवान जी। सीएम के रूप में क्या लगता है चिराग पासवान कैसे नेता लगते हैं? अच्छा नेता लगते हैं चिराग पासवान भी, ठीक है, सपोर्ट करेंगे चिराग पासवान? हाँ सपोर्ट करेंगे, और बीजेपी को भी हम सपोर्ट करते हैं। चिराग पासवान को बीजेपी से आना चाहिए? हाँ आना चाहिए। चलिए ठीक है, इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।